और मैं इस वक्त यह कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को खत्म करना हो तो उसकी उम्मीद तोड़ दो, वो खुद ब खुद जो है ना वो सब कुछ हार देगा। तो ये जो एक होप है, उम्मीद है, इसे बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि ये नवीद है, ये जीने की उमंग है, ये दोबारा से अपने आप को संभालने की एक जो कहना चाहिए खुशखबरी है। अगर ये उम्मीद खत्म हो गई तो मेरे ख्याल है कि फिर दोबारा से जो है ना रिवाइवल बहुत मुश्किल है। उमर क्या बताएं, मोबिलिंग करेगा अब? बस मोबिलिंग अपने एफर्ट्स में बरकरार रहेगा। आई थिंक ये जो मीडिया ने, आप लोगों ने एफर्ट किया है टू लोगों को एक होप जगाने का, उनके एफर्ट्स को कंबाइन करने का, आई थिंक बड़ा कमेंडेबल एफर्ट है। इसमें मोबिलिंग में हमारी कॉर्पोरेट एक लाइन आजकल चल रही है, विच आई थिंक सूट्स द सिनेरियो, एंड उसी के अंदर हम सारा काम कर रहे हैं, जिसमें मोबिलिंग ने कहा है कि कल के लिए अपना आज बदलो। एंड आई थिंक ये एक मैसेज है जो हमारे सारे यंगस्टर्स, हमारे यूथ यहाँ पर साथ है, हमारे जो बाहर व्यूअर्स देख रहे हैं इस चैनल को, मैं उनको ये कहूंगा कि अपने कल के लिए आज बदलो, अपने आप को इकट्ठा करो, एंड जो होप है वो मेरा ख्याल नहीं मिटेगी यहाँ पर,